हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर सेकेंड अनाउंसमेंट हुआ है माइग्रेशन का। पहले जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके हिसाब से 30 तारीख दी गई थी सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के पास पुराने एसी हैं किसी अदर एक्सचेंज पर, या मेटा मास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट में है या किसी अदर एक्सचेंज पर हैं, तो वो सारे अपने ओल्ड एसी अटलांटिस एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र कर लें ताकि उन लोगों को नए एसी मिल जाएँ पुराने के बदले में नए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सेकंड फिर से अनाउंसमेंट हुआ है कि जिन लोगों ने अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किए है, और ये एड्रेस दिया गया है कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ से अमेरिकन कॉइन इसी कॉन्टैक्ट एड्रेस पर आपको सर्च करना है, कहीं भी अगर सर्च करना है जहाँ पर ये लिस्टेड है। तो यहाँ पर 13 जून 2022 से ये कॉन्टैक्ट एड्रेस आया है, और यहाँ पर एज ऑफ जुलाई जुलाई 2, 2022 अटलांटिस सीजन है रिसीव्ड। अटलांटिस सीजन ने इतने ऐसी कॉइन रिसीव्ड किए हैं आउटसाइड सोर्स से, किसी अदर एक्सचेंज से या फिर मेटामास्क के कोल्ड वॉलेट से इतने कॉइन रिसीव किए हैं। कितने हैं ये? ये हैं 62,973,954,541। ओके, फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, तो विच इंक्लूड्स बोथ अदर एक्सचेंज एंड पर्सनल कोल्ड वॉलेट। ठीक है, जो मैंने बताया अभी, हाउ वेयर ड्यू टू हंड्रेड्स ऑफ एसी होल्डर्स। तो यहाँ पर सैकड़ों ऐसे एसी होल्डर हैं जिन्होंने अभी भी अपने एसी कॉइन को, अरबों खरबों मतलब एसी कॉइन हैं जिन लोगों ने अभी भी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं अटलांटिस एक्सचेंज पर, तो उन लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो लोग अभी भी कर सकते हैं। और फर्स्ट अनाउंसमेंट में जैसे नहीं कर पाए हैं 40 बिलियंस ऑफ ओल्ड एसी आर स्टिल सिटिंग इन अदर एक्सचेंज एंड कोल्ड वॉलेट, यानी 40 बिलियंस एसी हैं जो कि दूसरे एक्सचेंज पर और कोल्ड वॉलेट में अभी पड़े हुए हैं, तो वो लोगों से भी कहा जा रहा है। हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वॉलेट बना देते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं या पासवर्ड खो जाता है, तो वो सब टोटल मिला के 40 बिलियंस ऐसी हैं जो अभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद में इन ऑर्डर सोर्स टू इंश्योर ऑल द एसी होल्डर्स इंटरेस्ट टू बी वेल प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड, द ट्रांजेक्शन प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिकन कॉइन माइग्रेशन हैव बीन एक्सपेंडेड जुलाई 15। तो 15 जुलाई तक के लिए ये समय बढ़ाया गया है, अभी 30 जून था, 15 जुलाई तक के लिए समय बढ़ाया गया है। तो उन लोगों से कहा जाता है कि यदि वो अपने एसी अपने बचाना चाहते हैं तो अभी भी अपने एसी अटलांटिस सेक्शन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके बदले में नए एसी मिल जाएंगे माइग्रेट होकर। प्लीज़ बी एडवाइस, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप देख सकते हैं न्यूज़। तो 15 जुलाई तक जो भी अपने एसी को अटलांटिक सिक्शन पर ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको 1:1 के रेशियो से उनको सभी को नए एसी दे दिए जाएंगे, ये वादा किया जाता है सभी लोगों से। पुराने एसी अपने जमा कीजिए और नए एसी ले जाइए। इसके बाद यहाँ पर अटलांटिक सिक्शन हॉट वीट पैंकेक्स वेब और कुकॉइन ऐप पर नए एसी की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। नए एसी के नवीनतम बाजार मूल्य आमतौर पर US$4,000 और US$6,000 एसी के बीच होते हैं। दर्जनों व्यापारिक जोड़े वर्तमान में उपलब्ध हैं, यानी दर्जनों वहाँ पर पेयर्स हैं उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हॉटबिट पर पुराने एसी की ट्रेडिंग करीब 2 हफ्ते पहले ख़त्म कर दी गई थी। अपने पुराने एसी को हॉटबिट पर जमा करने या व्यापार करने का प्रयास ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने फंड के नुकसान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। हॉटबिट और दास टेक और इंडियो एक्स पुराने एसी की ट्रेडिंग 3 दिनों के भीतर समाप्त कर दी जाएगी, यानी अभी प्रॉफिट एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चल रही है और DAQ और इंडियो एक्स पर चल रही है, तो वहाँ पर भी अभी आप एसी पुराने एसी खरीद सकते हैं और उनको खरीद कर अटलांटिक एक्सचेंज पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पुराने एसी हैं इन एक्सचेंज से अभी हटा लें। यदि आप पुराने एसी पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप अपने फंड के नुकसान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
वेतन या एसी अनुबंध एसी धारकों को अधिकतम लाभ और निजी सुरक्षा के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। वेतन या एसी के सभी धारक एसी के प्रत्येक ऑन चेन लेन देन से 0.05% निष्क्रिय आय का आनंद ले सकते हैं, यानी उनको जो रेफरल प्रोग्राम के तहत उनको जो मिलेगा वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोई भी अगर बंदा आपके डाउन में ट्रेड करता है तो उनसे वो ट्रेडिंग कमीशन मिलता है। पुराने एसी को सभी उल्लिखित एक्सचेंजों से पूरी तरह से हटा दिए जाने के बाद अटलांटिक एक्सचेंज से कोल्ड वॉलेट और अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों में बेहतर नए एसी की निकासी 30 दिनों में सभी एसी धारकों के लिए खोली जाएगी। देखिए, आप अगर देर करते हैं तो वहाँ से भी देरी होगी। जैसे मान लीजिए कि 30 जून का समय दिया गया था और 30 जून तक यदि जमा हो गए होते तो 1 महीने के भीतर यानी 1 महीने बाद नए एसी हैं वो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन अभी 15 दिन यहाँ पर समय बढ़ाया गया है तो 15 दिन वहाँ भी बढ़ जाएगा। लेट कौन कर रहा है? आप लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी समय दे रही है उसके हिसाब से अगर करेंगे तो अच्छा है। अब कंपनी को भी यार कर ही देना चाहिए, इतनी देर लेट लपेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे लोग, इसीलिए तो निगेटिव बातें करते हैं। वैसे आप सभी लोगों को क्या राय है, आप सभी लोग ट्रांसफ़र कर दीजिए। वैसे भी वहाँ से अगर मिलेगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन के दौरान किसी भी संभावित नुकसान से बचने के लिए आपको अपने पुराने एसी को अपने कोल्ड वॉलेट और अन्य एक्सचेंजों से जल्द अटलांटिस एक्सचेंज में स्थानांतरित करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, प्रशंसा की जाती है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। ओके, तो ये न्यूज़ थी अभी तक की, 13 जून से अभी तक यही मैं कहता आ रहा हूँ। और जिन लोगों के एसी एडीसी गायब हैं तो उन लोगों के आ जाएंगे, और जो लोग एसी और एडीसी को होल्ड किए रखे हैं तो वो अटलांटिक सीखें पर लिक्विडिटी पूल में रख दें, ताकि आपको पर मंथ यहाँ से लिक्विडिटी रिवार्ड या आपको स्टैकिंग का रिवार्ड मिलता रहे। जिनके केवाईसी नहीं है केवाईसी कर लें, ताकि आपको विड्रो करते समय केवाईसी ना करनी पड़े, नहीं तो विड्रो होना शुरू हो जाएगा, फिर आप कहेंगे अभी तो मेरी केवाईसी नहीं है, पता नहीं कब होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो भी एक्सचेंज पर नए एसी लिस्ट हैं वहाँ पर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर किसी भाई ने ये वीडियो आपको भेजा है उनसे आप संपर्क कर लीजिए, उनके साथ ज्वाइन हो जाइए। आपको पैसे ही कमाना है, ऐसा तो है नहीं किसी को आपको बांटना है, पैसे कमाना है तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।